फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो ये हमारे फ्रेंड्स प्रवीण। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, तो जो आज का हमारा ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं एक ऐसे टॉपिक है ब्लॉग, शायद आपने इस टॉपिक पे कभी पहले कभी नहीं देखा नहीं होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, यानी कि जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपको सिर्फ पंजाब में मिल सकता है और शायद ही कहीं मिलता, मुझे नहीं लगता। पंजाब में, पंजाब आपको या हरियाणा में, शहरों में तो आपको नहीं दिखेगा ये नगर। बहुत ही कम दिखता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा, एक साल बाद, दो साल बाद शायद। ठीक है, हमारे भी काफी सालों के बाद ऐसे निकाला जा रहा है। तो फ्रेंड, तो सबसे पहले वीडियो कर दे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब, और वीडियो कर दे जितना उसे उतना कर दे शेयर। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं नगर कीर्तन में। नगर कीर्तन मतलब जो पंजाबी लोग हैं बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या होता है कि जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब होते हैं ना, उनको सजा कर फूलाना है, तैयार कर, यानी फूल सजा कर उसे ऐसे गाँव होता है ना, उसके आले दुआले ऐसे घुमाया जाता है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा रौनक लगती है। जो लोग होते हैं हमारे, है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, यानी कि तो जैसे कि आपको पता है गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, तो उसके लिए यहाँ पर जो नगर कीर्तन है वो निकाला जा रहा है। तो गाइस, आज जो ये नगर कीर्तन का जो अपने मूवमेंट है ना, जो माहौल है, इसको हम कैप्चर करेंगे, यानी कि कैप्चर आपको पता है कि ब्लॉग में होता है। तो गाइस, इस चीज़ को हम कैप्चर करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस, सबसे पहले हम हो जाते हैं तैयार, अभी तक हम रेडी नहीं हुए, तो पहले हम तैयार हो जाते हैं। उसके बीच में लगता है लंगर भी बहुत होते हैं। तो गाइस, तो लंगर तो हम खाते हैं, आपको पता है कि लंगर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो हमारे जो कैमरा मैन है वो भी अभी आ रहे हैं, तो पहले नहा धो लेते हैं, क्योंकि आपको पता है गुरुद्वारे बिना नहाए हम कभी नहीं जाते। तो नहा धो कर फिर हम रेडी होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जो लोग हैं। ओके जी। सो फ्रेंड्स, तो जो हम नगर कीर्तन के लिए तैयार हो चुके हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ से जो नगर कीर्तन है वो सजाया जा रहा है, तो उसके लिए हम बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। देखिए, ठीक है, तो ये रहा मेरे पास रुमाल, जो कि हम सिर पर बांधेंगे। आपको पता है कि जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिर पर कोई ना कोई कपड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये हम सिर पर बांध देंगे। तो गाइस, हम रेडी तो हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं गुरुद्वारा में, देखते हैं कि वो अपना नगर कीर्तन के लिए जो ट्रैक्टर है वो तैयार हो चुका है या नहीं, तो आपको दिखाते हैं जाके। ओके, सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम आ चुके हैं हमारे गुरुद्वारा साहिब में। तो आप जो डेकोरेशन है वो देख ही सकते हैं, जो हमारे गुरुद्वारा साहिब है वो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको अंदर से भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि अंदर जो वीडियो बनाना है वो अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, जो हमारे गुरुद्वारा साहिब है उनकी डेकोरेशन कितनी अच्छी की हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इकट्ठा, तो ये देखिए आप जो इकट्ठा है वो देख सकते हैं, आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं नगर कीर्तन का। पंजाब के जो लोग हैं ना, उनको नगर कीर्तन का बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है। सो जो आप इकट्ठा है वो तो आप देख ही सकते हैं। ये हमारे ट्रैक्टर वगैरह हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, ये देखिए जो ट्राली है वो भी तैयार हो चुकी है। हमारे जो गत्का के खिलाड़ी हैं वो भी मुझे लगता है रेडी हो चुके हैं, शायद हो चुके हैं रेडी। तो ये देखिए स्पीकर वगैरह हैं वो भी सेट हो चुके हैं। तो देख, अब जो आप इकट्ठा है वो देख सकते हैं, अभी और होगा। सो ये देखिए, मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ जो हमारा गुरुद्वारा साहिब है, ये ट्रैक्टर। तो देखिए आप गुरुद्वारा साहिब है, देख ही सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। सो देखते हैं जो हमारे नगर कीर्तन के जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, होगी तो यहीं से, लेकिन देखते हैं कब तक होती है। सो ये रही वो ट्रॉली जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होगा, यानी कि इस ट्रॉली में जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है उनको विराजमान किया जाएगा, और गांव के आले दुआले जो घुमाया जाएगा। आप इसकी जो सजावट है वो देख सकते हैं, ये जो फूल है ना ये ओरिजिनल है गाइस, ये कोई प्लास्टिक के नहीं है। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं जाने के लिए। तो जो हमारे गत्का के खिलाड़ी हैं वो अपना जो प्रदर्शन है वो कर ही रहे हैं, इन्हें गुरुजी की फौज भी बोला जाता है। तो ये देखिए जाल है जो कैसे घुमा रहे हैं। सो गाइस, आप ये जो सरदार जी देख रहे हैं जो केसरी बाने में अपने सजे हुए हैं, हाथों में तलवार फड़ी हुई है, तो गाइस इनको बोलते हैं पांच प्यारे। जब नगर कीर्तन निकाला जाता है ना, तो ये जो पांच प्यारे होते हैं इनका वहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी इसके बारे में मुझे इतनी डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी खैर मैंने आपको बता दी,
तो जो ट्रैक्टर है वो आप देख ही सकते हैं। तो हमारे गत्ते के खिलाड़ी देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी देखिए देखिए क्या बात है, वाह जी वाह। वो देखिए पीछे हमारा ट्रैक्टर है जो आ रहा है, और आप जो इकट्ठा है वो देख सकते हैं। और ये जो गत्तका वाले आप इनकी जो यूनिफॉर्म जिसे हम बोलते हैं बाना, देखिए कितनी सुंदर लगती है। सो देखिए गाइस जो हमारे गत्तके के खिलाड़ी हैं ये देखिए वाचिफा। गाइस ये ऐसे नहीं हो जाता, इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, यानी कि इससे जो सीखना है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए हमें नीडर होना पड़ता है, बिल्कुल ही नीडर। ये देखिए कैसे ये लाठियों को है वो घुमा रहे हैं, कोई आम इंसान तो इसे बिल्कुल भी नहीं घुमा सकता। सो फ्रेंड्स तो अभी ये बारी लंगर खाने की, और जो लंगर हमें मिला है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइस लंगर में हमें मिले हैं कड़ी चावल, वाची वाह। तो चलिए लंगर खाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ गत्तका। जो मैंने आपको स्टार्ट के में दिखाया ना वो तो सिर्फ टीज़र था, जो भी पिक्चर है वो तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो गाइस मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बोलकर आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो जो आप ये गत्तके की गेम है इसका आप आनंद ले सकते हैं। तो गाइस एक बात मैं ज़रूर बोल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और कमेंट में सतनाम श्री वाहेगुरु जरूर लिखें।
सो गाइस आज का जो दूसरा लंगर है वो भी हमें मिल चुका है, और जो कि है न्यूडल का लंगर। अरे भाई साहब, आप सोच सकते हैं कि जो न्यूडल का लंगर है वो भी चल सकता है? लेकिन हमारे पंजाब में सब कुछ पॉसिबल है। हमारे पर श्री गुरु नानक देव जी की इतनी कृपा है कि जहाँ पर लोग न्यूडल का छोड़ो पिज़्ज़ा का भी लंगर लगा लेते हैं। सो गाइस, तो काफ़ी जो अंधेरा है वो हो चुका है, और जो हमारे नगर कीर्तन की समाप्ति है वो भी हो चुकी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस, सबसे मेन बात, आज है गुरु रविदास जी महाराज का जन्मदिन। सो गाइस, मैं आप सभी को श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ जो देना चाहूँगा, यानी कि आप सभी जी को श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और गाइस, इसी के साथ जो हमारा नगर कीर्तन है वो भी समाप्त हो चुका है। तो ओके गाइस, बाय। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग? सो गाइस, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है, और लाइक तो आप कर ही दीजिए। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नगर कीर्तन था ये हमारे श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म अवसर पर निकाला गया था। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयां, यानी कि लख लख आपको मुबारक। पढ़ना मुझे बहुत नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। सो गाइस, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।